नमस्कार दोस्तों, अभी अभी की सबसे बड़ी खबर, गंगा नदी ने दिखाया रौद्र रूप, डूब गया बिहार और उत्तर प्रदेश। यहां दोस्तों सबसे ज्यादा भयंकर तबाही मच रही है। बक्सर से लेकर कहलगांव तक गंगा नदी उफान पर चल रही है। घाटों का संपर्क दोस्तों कट गया है। खतरे के निशान के पार दोस्तों गंगा नदी बह रही है। गंगा, सोन, गंडक, बूढ़ी, वहीं दोस्तों आपको बता दें कोसी और बागमती, ये सभी नदियां उफान पर चल रही हैं। पूरे बिहार के अंदर इस समय हाहाकार मच रहा है। 30 सेंटीमीटर दोस्तों ऊपर दोस्तों गंगा नदी बह रही है। आसपास के गांव दोस्तों जलमग्न हो गए हैं। जबरदस्त दोस्तों बाढ़ आ गई है। पटना जिले में सोन का जलस्तर मनेर में खतरे के निशान से 55 सेंटीमीटर ऊपर रिकॉर्ड किया गया है। वहीं दोस्तों गुरुवार की सुबह तक 6 सेंटीमीटर बढ़ने की संभावना थी। पटना में दीघा घाट पर गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से 16 सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया। वहीं दोस्तों बुधवार की सुबह 8 बजे तक 8 सेंटीमीटर बढ़ने की संभावना थी, जो दोस्तों बढ़कर 16 सेंटीमीटर हो गया था। गांधी घाट दोस्तों आपको बता दें पूरा का पूरा डूब गया है। इस समय भयंकर से अति भयंकर तबाही दोस्तों बिहार और यूपी के अंदर देखने को मिल रही है। बिहार के दोस्तों कई जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। दोस्तों यहां हजारों गांव के अंदर भयंकर बाढ़ बर्बादी है। अब तक 20 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में है, जिन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। कई लोगों की अब तक मौत हो गई है। बिहार के अंदर 500 से अधिक लोगों की अब तक मौत हो गई है, जिनमें आकाशीय बिजली गिरने की वजह से, नदी नालों में डूबने की वजह से हुई है। साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर भी गंगा नदी ने रौद्र रूप दिखा दिया है। डूब गया उत्तर प्रदेश, लगभग 7 जिले डूबे हुए हैं। हजारों गांव का संपर्क आपस में कटा हुआ है। प्रयागराज, वाराणसी, ये दोस्तों 2 जिले ऐसे हैं जो सबसे बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। वहीं दोस्तों हाथीदेह में गंगा खतरे के निशान से 66 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। वहीं दोस्तों मुंगेर में भी गंगा जलस्तर खतरे के निशान से 66 सेंटीमीटर ऊपर है और यहाँ दोस्तों हालात बेकाबू हैं। भागलपुर और दोस्तों कहलगांव के लगभग 56 गांव के अंदर भयंकर बाढ़ बर्बादी है। आसपास के सारे इलाके दोस्तों खाली करा लिए गए। और मौसम विभाग ने 3 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। 3 दिन तक दोस्तों जबरदस्त भीषण भारी बारिश दोस्तों आपको अलग अलग इलाकों पर देखने को मिलेगी, जिसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये राज्य शामिल है। आपको पहाड़ी इलाकों पर हो रही मूसलाधार बारिश के चलते गंगा और यमुना नदी उफान पर चल रही है और यहाँ दोस्तों भयंकर तबाही मच रही है। गंडक नदी भी उफान पर आ गई है। आप सभी से विनती है कि इस समय दोस्तों नदी नालों के पास भूलकर भी ना जाएं। साथ ही दोस्तों भारी बारिश के चलते बाहर ना निकले, क्योंकि लगातार आकाशीय बिजली गिर रही है और मूसलाधार से अत्यंत भीषण मूसलाधार बारिश हो रही है। हालात बेकाबू हैं। कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ वाले इलाकों का दौरा किया है और यहाँ पर NDRF और दोस्तों SDRF की सेना को दोस्तों बढ़ा दिया गया है। तो अलर्ट रहे, सुरक्षित रहें। आपके क्षेत्र का मौसम कैसा है कॉमेंट में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें।